तो बुलेटिन दा आगाज़ करदे हां इस वेले दी अहम खबर दे नाल जो कि मोहाली धमाके दे नाल जुड़ी है। मोहाली धमाके दे मुख मंत्री ने उच्च पदरी मीटिंग सद्दी है। दस दिए कि बीते शाम तकरीबन 7:45 मोहाली दे विच जो धमाका होया इंटेलीजेंस दफ्तर दे विच और इस नूं लैके मोहाली धमाके दे मुख मंत्री ने हुण उच्च पदरी मीटिंग सद्दी है। भगवंत मान ने DGP सने सीनियर अधिकारी तलब कीते ने ते पूरी घटना ते हुण तक दी कारवाई नूं लैके रिपोर्ट जिहड़ी है ओह मंगी जाएगी। तो मोहाली दे विच बीते दिनी जो इंटेलीजेंस हेडक्वार्टर दी दफ्तर दे विच धमाका होया भगवंत मान ने इस नूं लैके DGP सने सीनियर अधिकारियों नूं तलब कीता है। पूरी घटना ते हुण तक की कुछ कार्रवाई हुई है, की कुछ जिहड़ा है जानकारी हुण तक इकट्ठी हुई है, इस बाबत जिहड़ी है रिपोर्ट मंगी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की रिहायश से यह बैठक होगी। जो दस दिए कि इस मामले नूं लैके गंभीरता दे नाल मुख्यमंत्री वल्लों लिया जा रहा है। हालांकि इस तों पहलां उन्हां दा ट्वीट भी आया सी कि इस पूरे मामले की पुलिस पंजाब पुलिस पूरी डूंघाई दे नाल जांच कर रही है। उते हुण जिहड़ी है ए मीटिंग सद्दी गई है भगवंत मान ने DGP सने सीनियर अधिकारी जिहड़े ने तलब कीते ने उन्हां दी रिहायश ते मान दी रिहायश ते बैठक जिहड़ी है ओह होवेगी। अते हुण तक की कुछ कार्रवाई हुई है, की कुछ जांच विच निकल के आया है, इस बाबत जिहड़ा है मीटिंग दे विच गल कीती जाएगी। सो मोहाली धमाके ते मुख्यमंत्री ने यह उच्च पदरी मीटिंग जिहड़ी है सद्दी है जिस विच भगवंत मान ने DGP सने सीनियर अधिकारियों नूं तलब कीता है। अते पूरी घटना ते हुण तक की कुछ होया, की कुछ जांच विच निकल के आया, की कार्रवाइयां कीतियां जा रहियां ने, इस नूं लैके रिपोर्ट मंगी जाएगी। इस तों पहलां मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों ट्वीट भी कीता गया सी ते कहा गया सी कि जिथे पंजाब पुलिस गहराई दे नाल जांच इस पूरे मामले की कर रही है उत्थे चेतावनी भी दित्ती सी कि जो दोषी ने उन्हां नूं बख्शा नहीं जाएगा जो सूबे का माहौल खराब करना चाहते ने। रविंदर मीत तो जानकारी लैंदे आं। रविंदर, जिस नाल ए एमरजेंसी हुण मीटिंग सद्दी गई है जो की कुछ कार्रवाई हुण तक होई है उस नूं लैके, कदों इह मीटिंग है? बिल्कुल राधा, अज 10 बजे यानी कि हुण मीटिंग जिहड़ी हैगी आ उह चल रही है। सारे अधिकारी पहुँच चुके ने, पंजाब दे DGP VK भावरा पहुँच चुके ने, इस अलावा DGP इंटैलीजेंस पहुँच चुके ने, ADGP इंटैलीजेंस पहुँच चुके ने, क्योंकि मामला संबंधित है इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर की बिल्डिंग दे नाल। तां इह DGP इंटैलीजेंस भी इत्थे इस मीटिंग दे विच पहुँचे हुए ने। तमाम जिहड़ा सनैरियो हैगा उस नूं बयान कीता जा रिहा मुख्यमंत्री दे सामने। अते हुण तक की कार्रवाई की गई, की कार्रवाइयां कीतियां गईयां ते की हुण तक क्लू मिले, इन्हां तमाम चीज़ां की जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं दित्ती जा रही है। मीटिंग शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर दे विच सामने आएगा शायद भगवंत मान वीडियो दे जरिए देण दसण कि आखिरकार की हुण तक कार्रवाइयां कीतियां गईयां ने। लेकिन हाल फिलहाल मीटिंग का दौर लगातार जारी है, तमाम आला अधिकारी अफसर पहुँच चुके ने, जिहड़े होम सैकटरी है वह भी इस मीटिंग पहुँच चुके ने, प्रशासनिक अधिकारी पहुँच चुके ने। कुछ ही देर दे सामने आएगा तो सामने रखे जाएंगे कि आखिरकार की होया, किवें होया, तो हुण तक पुलिस की उपलब्धि की है इस पूरे मामले दे विच, की पुलिस के हाथ लग्या, ये तमाम चीज़ों बारे जिहड़ी जानकारी कुछ ही देर दे सामने आ सकती है। लेकिन हाल फिलहाल अगर गल करिए मीटिंग का दौर लगातार जारी है। इस मामले की गंभीरता नूं दिखाउंदे होए मुख्यमंत्री वल्लों 10 बजे मीटिंग सद्दी गई सी, तमाम जिहड़े अधिकारी हैगे ने उह इस समय पहुँच चुके ने। बिल्कुल, क्योंकि बहुत अहम है इस वेले जिथे कि लगातार सरकार दे उपर निशाने विरोधी साधदे आए ने कानून व्यवस्था नूं लैके, अजे विचकार इस तरह दे नाल ए हमला होना किते ना किते एक वड्डी चुनौती हुण सरकार ने भी खड़ी हो रही कि लोकां दा भरोसा सुरक्षा व्यवस्था दे विच बणा रहे। बिल्कुल, पंजाब पुलिस लई एक वड्डा टास्क है इस मामले नूं हल करना, अते पंजाब सरकार लई एक चुनौती है पंजाब दी कानून व्यवस्था नूं, पंजाब दी शांति नूं बनाए रखना, तां एक वड्डे टास्क जिहड़े हैगे आ। तां उसे दे संबंध दे विच मीटिंग भी बुलाई गई है, क्योंकि इस मामले नूं हल्के दे विच पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस नहीं लै सकती, क्योंकि मामला एक स्टेट की सुरक्षा दे नाल जुड़िया होया, बॉर्डर स्टेट की सुरक्षा दे नाल जुड़िया होया, क्योंकि इस पूरे मामले दे विच हुण सेंटर दीआं एजेंसियां भी छानबीन कर रही, सेंटर दीआं एजेंसियां लगातार पंजाब दीआं एजेंसियां तो रिपोर्ट मांग रही ने, खुद भी इस मामले की जांच कर रही ने। तो पंजाब सरकार वालों रिपोर्ट भी सेंटर सरकार को दिती जाएगी, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा का, एक स्टेट की सुरक्षा का तो बेहद संजीदा मामला हैगा, जिस मामले को लैके सेंटर होम मिनिस्टर वालों भी रिपोर्ट मंगी जा सकती है पंजाब के मुख्यमंत्री तो, पंजाब के होम मिनिस्टर तो, क्योंकि होम डिपार्टमेंट खुद मुख्यमंत्री पंजाब को हैगा। तो यह तमाम जिहड़े एंगल हैगे आ कुछ समय के साफ होणगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। लेकिन मामला
बेहद संजीदा है जिस मामले इस मामले को लेकर हुण मीटिंग भी सदी गई है। मीटिंग दे विच साफ किया जाएगा रुख कि आखिरकार होया की सीगा। बीती रात 7:45 तो जो ये वारदात को अंजाम दिता गया तो इस वारदात का पूरा जिहड़ा ब्यौरा हैगा पूरी जानकारी हैगी वो सीएम के सामने रखी जाएगी। हो सकता सीएम वालों ये जानकारी कुछ ही समय के विच केंद्र होम डिपार्टमेंट के नाल भी सांझी की जा सके। तो ये जिहड़ा तमाम सनैरियो इस समय पंजाब दे विच बनिया होया बेहद संजीदा मसला पंजाब दे लिहाज दे नाल। बिल्कुल रविंदर शुक्रिया फिलहाल दी जानकारी दे लई। सो फिलहाल जिस नाल ए उच्च पदरी मीटिंग सदी गई है डीजीपी सने तमाम जिहड़े पुलिस अधिकारी ने।